बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्कीन से मोहब्बत आपको तकब्बर से दूर करती है, गरीब से प्यार आपके अंदर मैं और अना के बुत को फलने फूलने नहीं देता। गरीब से मोहब्बत, अपने से कमतर से मोहब्बत, कमज़ोर से मोहब्बत आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से अल्लाह नवाजता है जिसका आप गुमा भी नहीं कर सकते। मैं आपके नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये जो मेरे मज़दूर भाई बैठे हैं, ये मेरी जान हैं, ये मेरी ताकत हैं, ये मेरे बाजू हैं। कमज़ोर हो, गरीब हो, मोहब्बत करें। मोहब्बत ऐसा एक हसीन सिलसिला है जो आपको कामयाबियों से हमकनार कर सकता है। नफ़रत एक ऐसी गंदी आग है, नफ़रत एक ऐसा गंदा अमल है जो आपके कई कामयाबियों के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकता है। इसलिए कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, प्यार करो, प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार से नफ़रत को ख़त्म करो। प्यार से तो हमने नफ़रत को ख़त्म करना है। नफ़रत आप किसी से भी करें, अपने रिश्तेदार से करें, अपने पड़ोसी से करें। अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी उससे नफ़रत करें, मज़दूर से नफ़रत करें, गरीब से नफ़रत करें, गुनाहगार से नफ़रत करें, बुरे से नफ़रत करें। नफ़रत आपको कामयाबियों की बजाय आपको नाकामियों की तरफ तो लेके जा सकती है, लेकिन कामयाबी आपका नसीब नहीं बन सकती। मेरा दर्द ये है, मेरा अलमिया और दुख ये है, मेरी आरज़ू और गुजारिश ये है कि आप बराए मेहरबानी मोहब्बतें तकसीम करें, नफ़रतें ना करें। ये जो मेरे इर्द गिर्द तबका बैठा है, मैं इनके साथ बैठा हूँ, इनको ज़बरदस्ती मैं अपने साथ बिठाया है। ये अदबन या एहतरामन नहीं बैठ रहे थे, लेकिन क्या मेरी इससे शान कम हो गई? क्या मेरी वो ज़ात है उसमें कोई कमी आ गई? नहीं। आपका दिल कैसा, हम बैठे हैं मिल के, कैसा लग रहा है आपको? खान साहब बताएं। बिल्कुल सही लग रहा है, खुश हो रहा है ना? खुश है। आप जो होता है मालिक, पता कौन है खान साहब? अल्लाह। बंदा आर्जी है। अगर कोई मालिक है तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करता तो आप उसको कैसा समझेगा? आप उसको अच्छा समझेगा? वो आपको कहे कि चल परे हो के बाओ, मेरा कपड़ा ख़राब होता है, मुझे आपके से वो आता है, तो आप क्या समझेगा उसको? अच्छा समझेगा? अच्छा समझेगा या बुरा समझेगा? हाँ, बुरा समझेगा। अच्छा तो नहीं समझेगा? नहीं, क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है। हम इकट्ठे बैठे हैं, कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, बैठे हैं। हाँ, अगर तुम बोले, हम इस तरह बोले भाई ये बुरा है, तो फिर बुरा होगा, बुरा होगा, कपड़े बुरे हैं। वाह भाई वाह, ये है हमारी खुशी, मजदूर की खुशी में हम खुश, मस्कीन की खुशी में। कैसा आप, खुश हो रहा है? बिल्कुल खुश हो रहा है। मेरा नाम आता है आपको? नहीं आता। कमाल है, बुखारी साहब। अच्छा, ये इनको सिर्फ, इनको मेरा नाम आता है बुखारी साहब, पूरा नाम आप याद कर लें, मेरा नाम क्या है? सैयद मनशा बुखारी साहब। बुखारी साहब, मैं इस लीज का क्या हूँ? मालिक हूँ। मालिक हूँ, लेकिन असल मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह। अल्ला। तो मालिक किस तरह मजदूर से प्यार करते हैं? नहीं ना करते, वो तो दूर रखते हैं। क्या ख्याल है आपका? नहीं, करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, कौन करते हैं? बुखारी साहब। बुखारी साहब, अब बुखारी साहब प्यार करते हैं, और बुखारी साहब को प्यार करके आप पे एहसान थोड़े ही करते हैं। आप हमारी जान हैं, अगर आप इधर जलील ना हो तो हम भी चौधरी नहीं हैं। हम जो चौधरी बन के बैठे हैं ना एसी के कमरों में, और आप इस शिद्दत की गर्मी में, थोड़ा सा कैमरामैन आपको दिखाता है, कैमरा मोड़ के, पहाड़ है इस वक्त, गर्मी है, ये सामने आपको जूम करके दिखाएगा। ये वो मायने हैं, पहाड़ हैं, जिनमें ये सारा दिन काम करते हैं। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। और ये जो हमारा मज़दूर तबका है, मज़दूरों से प्यार करो, मसाकीन से प्यार करो, अल्लाह राज़ी होता है। आप सब खुश रहें, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए।